हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने शिक्षा विभाग के साथ के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अध्यापकों की अनुपस्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से टीचर्स की व्यवस्था करवाई जाए। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने हरियाणा निवास में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि अध्यापकों की अनुपस्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से टीचर्स की व्यवस्था करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्कूलों की नई बिल्डिंग बनाई जा चुकी है उनकी पुरानी कन्नम घोषित बिल्डिंगों को गिराया जाए। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाए जिससे टीचर्स को ट्रेनिंग स्थल पर आने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को ट्रेनिंग कैलेंडर बनाए जाने के भी निर्देश दिए ताकि SCERT द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेनिंग से कलेश ना हो। उन्होंने कहा कि जितनी भी डिमांड स्कूलों से आती है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर स्कूल में कोई कमी पाई जाती है और उसकी डिमांड किसी प्रिंसिपल द्वारा ना की गई हो तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान करनाल जिले के सभी ब्लॉक और 21 जिलों के एक एक ब्लॉक को कक्षा 9वीं से 12वीं तक ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का कार्य पूरा किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में 21 जिलों से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने के लिए दो दो ब्लॉक जहां ड्यूल डेस्क की आवश्यकता है उनकी डिमांड मांगी गई है और खरीद प्रक्रिया के बारे में जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। टोटल टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।